नमस्कार दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वे बहुत ही खास हैं। वे मॉडल हैं, एक्टर हैं। बॉलीवुड फिल्म मोहन जोदड़ो में अपना डेब्यू करने वाले उनका स्वागत करते हैं हम। वे हैं दिगंत हजारिका। लेट्स वेलकम दिगंत हजारिका। थैंक यू सो मच ऑन आवर शो। दिगंत दा, आपसे हम सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि आपकी जर्नी एज एन एक्टर कैसी रही है? मैंने जब शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग, तो मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। और कुछ कुछ लोगों के है कि एक्सपीरियंसेस रहते हैं, दे डू प्लेज इन स्कूल और कॉलेजेस, उस टाइम पे लोग एक्टिंग सीख लेते हैं, बट मैंने कुछ सीखा ही नहीं था। आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग, फिर काम करते करते एक दो ऑफर्स आने लगे एक्टिंग के, दैट्स फॉर एसमीज फिल्म्स एंड वीडियो फिल्म्स। वैसे ही मैंने एक शुरू में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो फिल्म किया, छोटा सा रोल था, बट उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल कैमरे के सामने एक्टिंग करना एक टेक्निकल थिंग है। उसमें टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम कितना है, उसमें कैसे मूवमेंट करना है, बहुत चीज़ें टेक्निकल है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, और पता नहीं, शायद उसमें एक दो काम करते करते फिर उसमें इंटरेस्ट आ गया, और फिर बहुत कुछ चीज़ें मैं एक्सपीरियंस एक्टर से सीखने लग गया। तो शायद उसी के वजह से आज यहाँ पे बैठा हूँ। आपकी एसएमएस डेब्यू की नामदी माटी आपकी पहली मूवी थी वो? नो, एक माधुरी बोल के। अच्छा, पर उसमें आपका साइड रोल था? वीडियो फिल्म था, उसमें मैं एक पैरेलल रोल कर रहा था, उसमें प्रसन्नजीत भी था जी, तो वही डेब्यू था मेरा। तो आपके क्वालिफिकेशंस मतलब नौगांव से हुई है? नौगांव से मतलब ऑल सब सारी पढ़ाई और ग्रेजुएशन आपकी वहीं से हुई। तो नौगांव से फिर बॉलीवुड का सफर मतलब देखा जाए तो काफी सक्सेसफुल रहा है ये, अगर मैं ऐसा सोचती हूं। सक्सेसफुल नहीं बोलूंगा, जैसे बहुत चीजें क्या है कि डेस्टिनी के ऊपर है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आके एक्टिंग करूँगा। मॉडलिंग, हाँ मॉडलिंग करना चाहता था, बट एक्टिंग का कोई ऐसा ड्रीम या ऐसा कोई एम नहीं था। बट हाँ, डेस्टिनी ने मुझे वहाँ तक लेके गया, फिर मैंने एक्टिंग किया, फिर असम में मैंने काम किया, फिर वहाँ से जाके बॉलीवुड में भी काम किया। आई थिंक इट्स डेस्टिनी। यस यस। और मॉडलिंग में मतलब आपको ज़्यादा मॉडलिंग करना पसंद है मतलब? हाँ, इनिशियली जब मैंने शुरू किया था मॉडलिंग सोच के ही किया था, बिकॉज मुझे एक चीज़ पता था कि मेरी हाइट अच्छी थी, फिजिक एक मॉडल की तरह ही था, तो लोग मुझे बोलते थे कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते। That's how I started modeling. तो मतलब आपका बचपन से ही ये था कि आप मॉडलिंग में ही जाएंगे? नहीं, वैसा नहीं था एक्चुअली। या लोगों ने बोला इसलिए आपको? नहीं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, जैसे आई एम फ्रॉम ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड पुरानी गोदाम फ्रॉम नौगांव, तो वहाँ पे मॉडलिंग का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। आई केम टू नो आफ्टर HSLC एंड ऑल। सो जब मैंने ख़त्म किया, उस टाइम पे क्या है ना, टीवी में हम लोग के घर में क्या था, DD1। यस, पहले तो बहुत ये चलता था, इतने सारे चीज़ें हम लोग को इतने इन्फॉर्मेशन नहीं थे, पेपर में, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उसमें देख के पता नहीं कहाँ से इंटरेस्ट आ गया उसमें। फिर आप मतलब यहाँ आ गए, गुवाहाटी आ गए। हाँ, ओके। तो मतलब ये कौन सी ईयर की बात है जब आपने फर्स्ट अपना करियर शुरुआत किया? फर्स्ट मैंने यहाँ पे शुरू किया 2002 में। 2002 से तो फिर आई हैव डन अ शो फॉर सिग्नेचर। अच्छा, सो दैट वाज माय फर्स्ट शो। एंड उसके बाद मैंने 2004 में फिर से किया, एंड उसके बाद मैंने मुड़ के देखा नहीं कभी। और रैंप में मैंने बहुत सारे शोज किए। रैंप में तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस ऐसा जो है आपको, जो सबसे पसंद हो या अब तक याद है ऐसा कुछ? नहीं, रैंप में पता नहीं, जब भी रैंप में वॉक करता हूँ ऐसा फील होता है कॉन्फिडेंट। हाँ, कॉन्फिडेंट हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। जी जी जी, हाँ वो एक होता है। लेकिन फिर आप यहाँ पे मतलब जैसे हम देखते हैं कि SMS इंडस्ट्री है, काम जो है वो
बॉलीवुड के कंपैरिजन में थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ा Obviously, सा कम बजट का डिफरेंस है और आता है। वहाँ पे जिस स्केल में जिस लेवल पे काम करते हैं डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है और लोग करना भी नहीं चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा सा और डेवलप करें हमारी इंडस्ट्री? डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि असम जैसे अभी अपना जो इंडस्ट्री है पहली जो मूवी आई थी 1935 आई गेस जयमोती जयमोती बहुत एक्चुअली अपना जो एसमीज इंडस्ट्री है ना जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हाँ है, बहुत स्लो हो गया स्लो एक्चुअली। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे फिल्म मेकर्स नहीं है, यहाँ पे एक्टर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है। लोग जैसे यहाँ पे आंदोलन बहुत तो, होते हैं, टैलेंट तो बहुत है यहाँ डेफिनेटली डेफिनेटली है। यहाँ पे क्या है ना बहुत सारे सारी चीज़ें हैं कि हम लोग एसमीज हमेशा फाइट करते आ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे इंसर्जेंसी के चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से जितना ग्रोथ होना चाहिए था इंडस्ट्री में उतना ग्रोथ आया नहीं, आया नहीं है। हाँ तो वो कह सकते थोड़ा सा लैकिंग है इस चीज़ में, है उसी ना? में लैक है। हाँ लैक है पर उस चीज़ में। टैलेंट को लेके मैं नहीं सोचता कि कोई नहीं लैक है, टैलेंट को लेके तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं टैलेंट हम लोग के आसाम में बहुत है, बहुत है। चाहे आप मतलब एक्टिंग को ले ले, सिंगिंग को ले ले, या फिर बिहाइंड द सीन जो भी काम करते और हैं मैंने लोग। देखा है जैसे बॉम्बे में भी बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, हाँ मैक्सिमम म्यूजिशियंस गुड म्यूजिशियंस आर फ्रॉम असम, असम एंड नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे आज और उनको वहाँ बहुत जाके अच्छा काम काम कर करना रहे पड़ा है। हैं। काश वो यहीं पे रह के अगर काम करते तो हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी वही यहाँ पे बेटर हो उतना स्कोप सकती नहीं थी। है हाँ बिकॉज क्या है ना आपको लाइवलीहुड भी चलाना है उससे। यस एग्जैक्टली सो लेकिन अभी देखा जाए तो कोरोना का टाइम था, ये 2 साल लोग बहुत कोरोना में डिफिकल्ट ही, टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, डिफिकल्ट तो टाइम आपके लिए ये कितना डिफिकल्ट था? डेफिनेटली सबके लिए डिफिकल्ट यस है। वो तो है, हाँ लेकिन फिर भी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो रहा ही होगा। जैसे हमारा ये शो है, हम इसीलिए हम लोगों ने ये शो बनाया ताकि हम लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचा सके पहुंचा कि सके। इस कोरोना के टाइम पे आप किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखा। देखिए मैंने आपको बोला कि मुझे एक्टिंग में इतना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं इंटरेस्ट, था। नॉलेज भी नहीं था और हाँ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, हाँ बट पैरेलली मुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट है। सो मैं पैरेलली दो चीज़ें अभी चला रहा हूँ, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक वैसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं नहीं कर, हो। ज़रूरत नहीं हुआ मुझे। जी 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 एक ओके फ्रेज था बीच में जहाँ पे थोड़ा ये था, देन आई मेड माई माइंड कि हाँ एक्टिंग भी करते हैं एंड आई हैव टू कीप अप माई बिजनेस ऑल्सो दोनों पैरेलली। बैलेंस यस किया जाए। बिकॉज दिस पर्टिकुलर यू नो लाइन ऑफ यू नो वर्क इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अब कभी प्रोजेक्ट आते हैं कभी नहीं आते, नहीं कभी आते, प्रोजेक्ट साइन होने के बाद भी वो कैंसिल हो कैंसिल जाता है। होकर किसी और को भी मिल जाते हैं, हाँ ऐसा भी वैसा होता होता है। है, सो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन अगर मैं एंड मोहन जोदड़ो की बात करूँ तो आपका एक, मतलब जब आपको फ़ोन कॉल आया था मोहन जोदड़ो के लिए उस टाइम, उस मतलब बिकॉज ये आपकी पहली मूवी बोल सकते हाँ हैं हम, पहली डेब्यू मूवी थी। मूवी, तो वो आपका एक्सपीरियंस और मतलब कैसी खुशी आपने किस तरह से जाहिर की उसमें उस टाइम पे मैं एवरेस्ट के लिए शूट कर रहा था, एवरेस्ट के लिए? दैट वाज आशुतोष गवारीकर जी प्रोडक्शन जी मूवी, तो उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुका था मैं, काम चल रहा था उनके साथ। तो सडनली द कास्टिंग डायरेक्टर नलिनी रत्नम शी कॉल मी कि दिगंत तो एक कैरेक्टर है, वी हैव अ कैरेक्टर फॉर यू, सो वी वुड लाइक टू ऑडिशन फॉर दैट, ओके तो आप कल एक बार आ जाओ स्टूडियो में। मैं गया, एक्चुअली मैं नर्वस था, एक्चुअली आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर ए मूवी दैट टाइम। सो मैं गया स्टूडियो में, वहाँ पे कास्टिंग ऑडिशन किया मैंने, देन आफ्टर लाइक आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे वो मिल मिल जाएगा, जाएगा। कि जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे स्टूडियो में उस कैरेक्टर के लिए 3-4-5 और लोग थे। अराउंड हाँ हाँ उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन कर रहे थे एंड दे वर लाइक प्रीटी गुड। तो मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जी बट समहाउ आई गॉट ए कॉल आफ्टर लाइक 3-4 डेज एंड शी सेड लाइक यू आर सिलेक्टेड एंड द प्रोडक्शन टीम विल कॉल यू फॉर दैट। ओके सो आई वॉज शॉक्ड एंड लाइक एक्साइटेड ऑल्सो। यस 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 तो मतलब उस टाइम पे आप गुवाहाटी में ही थे या नहीं, आई वॉज इन वहीं मुंबई, मुंबई में ही मुंबई में थे? था। ओके। तो उसके बाद अभी कोई और ऐसा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं ऐसा अपकमिंग? एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, बट द थिंग इज दैट जब तक प्रोडक्शन हाउस
मतलब उसका प्रेस रिलीज नहीं करते हैं, नहीं करते तब हम नहीं बोल सकते हैं। या आई एम नॉट अलाउड टू से एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। यस यस यस। और यहाँ पे गुवाहाटी में आपको अगर और कोई एसएमएस मूवी आप अभी कर रहे हैं फिलहाल? लास्ट जो मूवी किया था मैंने मूवी की थी ये प्रतिघात। प्रतिघात पता नहीं का की वजह से सब बंद हो गया। ये काफी इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे जितने भी आंदोलन होते हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, देखिए आंदोलन असम को हर 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 टाइम पे करना पड़ा अपने राइट्स के लिए, बट उसमें बहुत चीजें हम खो भी जाते हैं। खो जाते हैं बहुत सारी चीजें खोते हैं उसमें। जैसे बहुत उस टाइम पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। ऐसा नहीं होता कि कहीं ना कहीं हम कुछ भी अगर आंदोलन करते हैं तो वो चीज़ और थोड़े पीछे चले जाती है, आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। देखिए दो साइड है उसमें, आगे बढ़ते भी है बहुत कुछ खोते भी है, पीछे भी पीछे भी जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को कॉप अप कैसे करें? देखिए ये चीज़ है पॉलिटिकल चीज़ है, बट व्हाट आई फील यू नो कि आंदोलन करके असम में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ आज तक मिला है। हम लोगों ने बहुत कुछ खोया बहुत है, कुछ बहुत खोया लोग है। खोए हैं हम लोगों ने, डेवलपमेंट हम लोग का थोड़ा सा पीछे पीछे चला गया है। लोग आना नहीं चाहते असम में, दे थिंक दैट दिस इज अ प्लेस फॉर इंसर्जेंसी, यहाँ पे आंदोलन बहुत होते हैं, द लोकल पीपल आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव। लोगों के कंसेप्ट वो लोग राइट नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग राइट है, बट द कंसेप्ट एंड द पिक्चर ओवर देयर outside in Assam is this only. I'm sorry to say. But थोड़ा सा negative सोचते हैं लोग ऐसा। बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं भी इस चीज़ में deny नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा सोचते हैं। Thankfully that Lavlina Borgohain, she won the bronze medal. और ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत positive। बहुत ज़्यादा positive। बहुत positive। बहुत positive है। And हमें actually सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। और हम लोग हमें क्या चाहिए, हम लोगों को नेशनल लीडर चाहिए। हमारे जितने भी लीडर्स है वो रीजनल लीडर्स है वैसे, बट हम लोग वो फोकस मिलने के लिए असम पे और उतना सारा डेवलपमेंट होने के लिए हम लोगों को नेशनल लीडर्स चाहिए जो होपफुली अभी आ गए हैं। अभी आ गए हैं, यस यस। लेकिन स्टिल अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमें लगता है कि हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर्स या डेवलप करने चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। हाँ, मैं खुद बोलता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। आई वॉज द बेस्ट एथलीट इन द कॉलेज एंड आई वॉन्टेड टू परसू दैट, बट मेरे पास उतने स्कोप नहीं थे, गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे, और मुझे नहीं लगता था कि दैट आई कैन टेक एज अ करियर। क्योंकि क्या है ना, हम लोग वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और हमें क्या है कि कल जाके अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वजह से भी कई लोग जो है वो स्पोर्ट्स में आना नहीं चाहते हैं और मतलब मिस गाइडेंस की बहुत वो हो गई है यहाँ पे। गाइडेंस ही नहीं है, गाइडेंस का कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन होता है ऐसा कि हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में हो गया या इस फील्ड में एक्टिंग या इंडस्ट्रीज के फील्ड में हो गया तो लोग थोड़ा सा कम आना चाहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से मतलब हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे? यहाँ पे असम में क्या है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। सो जैसे मिडिल क्लास फैमिली में क्या है ना, तो वो माइंडसेट है बचपन से ही, वो एक ही लेवल पे माइंडसेट रहता है। यू हैव टू डू समथिंग गुड, ओके, आपको पढ़ाई करना है और आपको जॉब लेना है या मोस्टली जॉब, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। यही सिखाया जाता है। डेफिनेटली वही है, तो हमें भी वही सिखाया कि you have to study well and you know your academics has to be good and after that you get a good job, you get married, you have to look after your family. So wahi hai uske liye actually kya hai na, sports mein itna sara nahi hota hai, expect nahi karte. Ha, aapke family is लाइन में आप जो है उसमें सपोर्ट किया था आपको? डेफिनेटली। माय फादर एंड मदर, माय फादर पास्ड अवे, बट ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। वो कभी मना नहीं करते थे, कुछ भी करना चाहूँ वो कभी मना नहीं करते, बट एक चीज बोलते थे, व्हाटएवर यू आर डूइंग इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, यस, बट लौट के मेरे पास मत आना।
बट मेरे लिए शायद वो एडवांटेज था कि मेरे माइंड में भी वो था कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू अर्न माई लाइवलीहुड, आई हैव टू डू समथिंग टू यू नो मेक हिम इम्प्रेस्ड. सो शायद वो था. हाँ, तो मतलब आपने सबसे मतलब अपने फादर से यही चीज़ एक सीखी है. मॉम भी, मॉम अभी भी कुछ नहीं बोलती है, मम्मी अभी भी कुछ बोलती नहीं है. हाँ, मतलब वो खुश है. डेफिनेटली हाँ, कुछ अच्छा देखती है तो कॉल करके बताती है कि अच्छा लगा. हाँ हाँ, तो मतलब अभी आप अपकमिंग आपके गोल्स क्या क्या हैं? बहुत सारे. थोड़ा समय हमारे दर्शकों को थोड़ा शेयर करें आप. जैसे ओनली एक्टिंग लाइन में है, बिजनेस लाइन तो हमने सुन लिया कि आप बिजनेस में भी कर रहे हैं, आपने कदम रखा है. एक्टिंग में भी देखिए अभी आई एम डूइंग फ्यू प्रोजेक्ट्स और ऐसा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं. असम में भी करने हैं. असम में पता नहीं आज तक मैंने जितना किया जितना मैं एक्सपेक्ट करता था शायद उतना कर नहीं पाया मैं. असम में? असम में. अच्छा. और मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक माइलस्टोन मैं बनाऊँ एक्टिंग में. हाँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन और ओनली एक्टिंग. एक्टिंग में ऐसा कुछ माइलस्टोन दूँ कि आगे तक लोग मुझे याद रखें और जितने भी नए लोग हैं वो याद रखें, इंस्पायर करें. और डेफिनेटली वो ऑब्वियसली आपसे इंस्पायर होते हैं. जी, अच्छा मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि जो एक्टिंग है उसके लिए हमें ऐसा ज़रूरी है कि हमें टेक्निकल लाइन से होकर ही गुजरना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा उसके लिए? ऐसी बात नहीं है. देखिए आप बहुत चीज़ें हैं कि आप MBA करके भी मैनेजमेंट एंड बिजनेस संभालते हो एंड विदाउट डूइंग MBA यू आर डूइंग ए वेरी गुड बिजनेस. सो बात वही है एक्टिंग भी उसी तरह से ही है. उसकी तरह टेक्निकल क्या है, आप जब काम करते हो ना बहुत चीजें आप ऑब्जर्व करोगे ना धीरे धीरे खुद ही सीख जाते हैं, खुद ही सीख लेते हैं. हाँ, जैसे कभी कभी मतलब मोस्टली देखा जाता है कि मॉडलिंग के बाद वो एक्टिंग चूज कर लेते हैं. उसमें क्या है ना, आपको आपका जो फियर है ना वो आपका गायब हो जाता है. मॉडलिंग में क्या है ना, आप जब शोज करते हो देयर लाइक 1000 पीपल, वो वहीं से ही गायब हो जाता है. हाँ, तो आप अगर स्टेज में आप 1000 लोगों को या मोर देन 1000, 5000, 10000 लोगों को आप फेस कर रहे हो, वहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप वॉक कर रहे हो, तो आप जब शूट करते हो हार्डली लाइक 10, 15, 20 पीपल आते हैं, तो आप उसके बाद आपको फियर नहीं रहता. सो यू गेट द कॉन्फिडेंस. यस. तो मतलब जैसे बॉलीवुड में आपने काम किया, कैमरा जब आपके सामने आता था उस टाइम पे आपको मतलब कैसा, डर नहीं लगा आपको पहले बार में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे उससे पहले मैंने यहाँ पे बहुत कुछ काम किया. नहीं, वो तो एसएमएस में किया था, लेकिन बॉलीवुड में आपने जब किया ये तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा मतलब डर नहीं लगा? ओके, मतलब ऋतिक रोशन के साथ आपको काम करने का मौका मिला? वहाँ पे क्या है ना, आप ऋतिक रोशन को मैं पहली बार जब मिला एंड ही मेक्स यू सो कंफर्टेबल दैट यू स्टॉप फीलिंग नो, आप ये सोचना भूल जाते हो कि वो बहुत बड़ा स्टार है. मैं सो इजी एंड सो हम्बल कि आप फील ही नहीं करते हो कि ऋतिक रोशन मेरे साइड में. तो मतलब वो बहुत ही आपको काम महसूस कराते हैं ऐसा. हाँ, कि आप हाँ जी, ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा स्टार है बगल में. हाँ, तो मैं कैसे करूँ. इट मेक्स यू सो कंफर्टेबल, बहुत हम्बल है, बहुत फ्रेंडली है ऑन सेट. अच्छा, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है. और एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है जो इस लाइन में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फियर एक रहता है कि नहीं एक्टिंग में जाऊंगा तो कहीं मुझे कुछ मतलब वो मैं उस मुकाम तक ना पहुंच पाऊं, कहीं मैं मिडिल में ही ना रह जाऊं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए द टाइम हैज चेंज. हम लोगों ने जब शुरू किया था उस टाइम पे हार्डली देयर इज एनी स्कोप. अभी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, द OTTs हैव कम. ओके, और एक्सेसिबिलिटी. हमारे टाइम पे हम किसी डायरेक्टर से मिलना बहुत ही मुश्किल था, बट आजकल एकदम इजी है. जैसे वेब कंटेंट बना के लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो. हमारे टाइम पे कुछ था ही नहीं है एक्चुअली. हमारे टाइम पे क्या था, हम लोग पिक्चर्स लेके जाते थे कहीं स्टूडियो में, वैसे दे के आते थे और वैसे ही काम होता था. बट आजकल बहुत ही ईजी है. इनफैक्ट मैं बताता हूँ आपको,
बॉम्बे से जितने भी ऑडिशंस होते हैं आजकल फिजिकली ऑडिशंस लेना बंद कर दिया है। उन्होंने भी क्या क्या आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं, यू शूट इट एट होम एंड सेंड इट टू देम। बहुत बहुत मतलब अभी इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है। तो एक्चुअली इफ समबडी वांट्स टू यू नो डू एक्टिंग प्रोफेशनली अभी बहुत ही इजी है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू you need to be sure and you need to be you know collect some knowledge and just proceed. That's it. लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था ना कि and one more thing, successful होना successful नहीं होना ये सब ऊपर वाले के ऊपर है, अपने hard work के ऊपर है। But उसको लेके कि मैं मेरा कुछ हो नहीं रहा है, I have struggled for like 5-6 years, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैंने 10 years दे दिया इसमें कुछ नहीं हुआ, तो उसमें सोच के फायदा नहीं। आपने टाइम दिया, आप और टाइम दीजिए, आपको पता होगा क्या करना है आप। बट डोंट गेट यू नो डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेट होना सही बात नहीं है। हाँ, मतलब हार्डवर्क ही एक हार्डवर्क एंड यू नो that luck has to be there. I believe in luck and destiny also. जैसे कि पहले का मतलब माना जाता था कि एक हीरो बनने के लिए या एक्टिंग के लिए हमें बहुत अच्छी फिजिक होने की जरूरत है, लेकिन अभी वो धीरे धीरे वो भी चेंज हो चुका है। पहले के टाइम से अभी बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी आपको कोई अच्छा गुड लुक्स या फिर अच्छे फिजिक्स की जरूरत नहीं है, आप कोई भी रोल के लिए मतलब इसीलिए दैट ओटीटी हैज चेंज्ड द होल कांसेप्ट। यस यस यस, वो एक बहुत मतलब अच्छी बात लगती है, पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव है। तो आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे अबाउट फिटनेस, अगर मैं बात करूँ तो कि बहुत जरूरी है अभी के लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि फिटनेस क्या है, इट्स नॉट अबाउट यू नो कीपिंग सिक्स पैक्स। आप फिट रहो, आपको कोई बीमारी ना हो, आप फिट रहो, आप कोई भी छोटी बड़ी चीजें करने के लिए आप कैपेबल हो, दैट्स फिटनेस। एंड अपना जो है हम लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करके उस हिसाब से अपना फिजिक बनाते हैं। If I am doing a film where I have to be muscular, मैं muscular हूँ, कहीं पे मुझे एकदम lean चाहिए तो lean होना पड़ता है। हाँ, ultimately मतलब fitness भी ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि अभी corona का time चल रहा है, तो fitness काफ़ी important है। दिगंतर आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं ही नहीं हमारे दर्शक भी आपसे बहुत ज़्यादा inspire। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच दर्शक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।